दिस इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ आर फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्ड वीक. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग. द टेबल शोज द स्पीड ऑफ अ रेसिंग साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 सेकेंड ऑफ द रेस. 35 सेकेंड्स की उसकी रेस है, तो उसमें उसकी स्पीड कितनी और कैसे बढ़ रही है वो हम लोग देखेंगे और हम उसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो टेबल में उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं. तो 0 से स्टार्ट होकर टाइम 35 तक जा रहा है और स्पीड जो है 0 से स्टार्ट होकर 50 तक जा रही है. तो हम उसका ग्राफ देख लेते हैं. ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, हमने 0 से स्टार्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें देखना है कि टाइम जो है हमने एक्स एक्सिस पर लिया है और जो स्पीड है हमने वाई एक्सिस पर लिया है. ठीक है, तो हम 0 से हमने स्टार्ट किया है. तो 0 से नेक्स्ट हम लोग आ गए हम 5 पे. 5 सेकंड हमारे पास हैं और स्पीड हमारी होगी 15. तो हम यहाँ से देख लेंगे कि हम यहाँ से पहले 15 काउंट करेंगे स्पीड से और 5 काउंट करेंगे हम लोग इधर टाइम से, कि टाइम जितना हमारा 5 सेकंड में हमने 15 कवर किया है. तो हम वहाँ पे दोनों को, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, वहाँ पे एक डॉट लगा देंगे. सेकंड हम इसी तरह करेंगे. यहाँ पे 28 स्पीड है और 10 सेकंड जो के. इस तरह फर्दर हम लोग सारे इस तरह जो है वो डॉट्स को मिलाते जाएंगे, डॉट्स लगा के मिलाते जाएंगे. तो हमारा ग्राफ इस तरह ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और एक जो है वो पॉइंट पे आके 50 पे आके कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन इसी ग्राफ के वाले से है. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट आफ्टर 8 सेकंड. अब हमें पता है यहाँ पे 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 25 हो गई थी. तो 10 और 5 के दरमियान 8 आता है, तो इनके दरमियान उसकी स्पीड है तो वो है 25. साथ में हम उसका यूनिट लगा देंगे KM/R. ठीक है, तो हाउ थर्ड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द साइक्लिस्ट टू रीच 30 km. 30 km जो स्पीड तक उसको कितना टाइम लगेगा. अब यहाँ पे देखें 30 तक उसको जो है वो यहाँ पे हो रहा है 10 के बाद. ठीक है, तो 28 और 38 के दरमियान जो टाइम है 10 सेकंड उसको लगेंगे 30 जो है वो 30 km तक पहुँचने के ऑलमोस्ट. ठीक है, तो एक्सप्लेन वाई द ग्राफ लेवल्स आउट आफ्टर 30 सेकेंड. 30 सेकंड्स के बाद जो है वो ग्राफ जो है बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, आउट वाली पोजीशन पे चला गया. यहाँ पे देखें इधर यहाँ पे, तो वो किस लिए है, तो वो इसलिए है कि साइक्लिस्ट हैज़ रीच्ड हिज और हर मैक्सिमम स्पीड. कि साइक्लिस्ट ने अपनी मैक्सिमम स्पीड गेन कर ली है, वो इससे ज़्यादा अपनी स्पीड नहीं कर सकता, इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर 50 के ऊपर जाके कॉन्स्टेंट हो जाएगा.